तो अभी हम बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं तिब्बत बॉर्डर के, जहाँ पर चाइना की आर्मी खड़ी हुई है। तो ये आपको साइड में दिख रहा है, इस साइड पे ये रहा चाइना, मतलब तिब्बत है ऑब्वियसली। हाँ तो यही है ना चाइना, देखो चाइना के लोग खड़े हैं, देखो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं भारत माता की जय। सर मेरी बाइक पे बैठ के सर क्या कर रहे हो, एक बार फिर कर दो क्या कर रहे हो, एक बार कर दो जैसा अभी किया। सर चाइना पहुंच जाएंगे। सर ऐसे नहीं सर, वहां तिब्बत में पहुंच जाओगे सर आप। जो मैं स्नोफॉल बता रहा हूँ ना, वो स्नोफॉल नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर ओले गिरने शुरू हो चुके हैं और ये बहुत जोर से लग रहे हैं। अगर मेरे हाथ ऐसे है ना अभी पे, वो बड़ी जोर से लग रहे हैं, देखो ओले गिर रहे हैं। इजी 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 इजी, चलो बाइक बंद नहीं होने, चलो। तो ये रहा अपना मूवमेंट, प्राउड मूवमेंट। तो अब यहाँ से चलते हैं और बहुत लेट हो गए और आगे निकलते हैं अब। सो एक अल्टीमेट सा फन और एडवेंचर करके नथुला से नीचे उतर गए हम थोड़ा सा, और यहाँ पर अब देखो हो रही है स्नोफॉल शुरू, तो और यहाँ पर एक लेक भी है। स्नोफॉल हो गई, स्नोफॉल हो गई स्टार्ट, वो देखो आपको सामने दिखेगा। तो एक ये लेक भी है, कितनी खूबसूरत लेक है यहाँ पर। और ऐसे बहुत सारी लेक्स हैं सिक्किम में, कहते हैं 206 लेक्स है, 206। ये तो वो होंगी जिनके बारे में आइडिया है, ऐसे तो कितनी सारी और होंगी, लेकिन अल्टीमेट मज़ा आ गया, अल्टीमेट मज़ा आ गया। या तो मेरे कर्म अच्छे हैं या तो जो मर्जी बोलो, मेरी पुलिस पुलिस और आर्मी से थोड़ी सही ना पट जाती है। आर्मी ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, पता नहीं वो किसी को खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे, चलो 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 चलो, और उनको जाके बोला सर बाइक के साथ एक फ़ोटो लेनी है, वीडियो लेनी है, कहते जाओ कर लो। क्या बात है भाई। सो यहाँ पर बारिश हो गई अब तेज़, मुझे गोप्रो रखना पड़ेगा अंदर, अगर बारिश बंद हुई तो रिकॉर्ड करूँगा, नहीं होगी तो फिर आपको जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ का दिखाऊँगा आप डायरेक्ट, क्योंकि ये सारी रोड रोड ही होगी अब तो। पहले मुझे विंटर अपने विंटर कह रहा हूँ अपने रेन लेयर्स पहनने पड़ेंगे, उधर से पहले कहीं पर रोक के रेन लेयर्स पहनता हूँ। वाटरफॉल हो रहा है उधर से, इधर से भी हो रहा है वाटरफॉल। जो मैं स्नोफॉल बता रहा हूँ ना, वो स्नोफॉल नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर ओले गिरने शुरू हो चुके हैं और ये बहुत ज़ोर से लग रहे हैं। अगर मेरे हाथ ऐसे है ना अभी पे, वो बड़ी ज़ोर से लग रहे हैं, देखो ओले गिर रहे हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम, मैं अब गोप्रो नहीं लगा सकता क्योंकि मैं गीला हो जाऊँगा नहीं तो। अब यहाँ से निकलते हैं और जो भी होगा मैं आपको डेस्टिनेशन पे पहुँच के दिखाता हूँ फिर। लेकिन ओले गिर गए, फटाफट अपने रेन गेयर्स पहन लेते हैं। तो अभी आप ये सीन्स देख रहे हो, ये क्या हो गया, अभी जब मैं 10 मिनट पहले आया था ना ऐसा कुछ भी नहीं था, 10 मिनट में ये पूरा का पूरा वेदर चेंज हो चुका है। मेरे ग्लव बाइक में पड़े हैं, मुझे पता पूरे गीले हो चुके हैं। और ये है हरभजन बाबा जी का टेम्पल, इनके बारे में अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आर्मी सर, आर्मी पर्सनल सर से खड़े होके 15 मिनट पूरी बात सुनी है, ताकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूँ। वैसे तो मेरे को पता था इनके बारे में, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। लेकिन आप वेदर देखो, ये हो चुका है इस समय टोटल अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ ओले गिर रहे हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ ओले गिर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये पूरा का पूरा एरिया वाइट हो गया था 2 मिनट पहले, ये एकदम से फिर पिघल गई है। तो ये सिचुएशन है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एक्चुअली बाबा जी का टेंपल, हरभजन बाबा बोलते हैं, इनका नाम हरभजन बाबा था। तो अभी मैं आ चुका हूँ हरभजन बाबा जी के टेंपल पे, और इनकी यहाँ पर आर्मी में इतनी ज़्यादा मान्यता है कि इतने लोग यहाँ पर मानते हैं, इनको सिविलियंस भी मानते हैं और आर्मी के लोग भी मानते हैं। कहते हैं कि इनकी जब डेथ हो गई थी, ये पानी में गिर गए थे और नाले में गिर गए थे, तो कहते हैं कि इनको एक्चुअली जब बहुत आर्मी वालों ने ढूंढा कि ये कहाँ गए, और एक टाइम पे आर्मी को लगा ये भगोड़े हो चुके हैं, भाग गए आर्मी से, तो उसके बाद जब इनकी तो डेथ हो चुकी थी तो इनको लगा कि यार ये मेरे को गलत हो रहा है कि मेरे साथ, मैं भागा नहीं हूँ, मेरी तो मृत्यु हो गई है। तो ये एक अपने साथी के सपने में आए, इन्होंने बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर हूँ और मेरी मृत्यु हो गई है। पहले तो उन लोग माने नहीं आर्मी वाले, लेकिन फिर दूसरी बार भी दूसरे किसी आर्मी के अपने दोस्त को बताया सपने में आके कि यार मैं यहाँ पर हूँ, मेरी यहाँ पर मृत्यु हो गई है, जो भी है। तो फिर जब आर्मी गई तो एक्चुअली सेम स्पॉट पे उनको सेम वहीं पर ही इनके जो भी गन्स थी सारा सामान वहीं पर मिला, और उसके बाद
ये अब सपनों में आते रहते हैं किसी ना किसी के और बताते रहते हैं कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, और कहते हैं कि चाइना तक के लोग, चाइना की आर्मी तक इनको मानती है, क्योंकि चाइना की आर्मी ने भी घोड़े पे, वाइट घोड़े पे किसी को चलते हुए यहाँ देखा है पहाड़ों में, और चाइना की आर्मी भी इस बात को मानती है। और एक और चीज़ मैंने सुनी थी, यहाँ मैंने कन्फर्म करी है कि जब मीटिंग होती है ना इंडिया और चाइना की, तो इनके लिए एक चेयर खाली छोड़ी जाती है। मतलब चाइना को भी ये बात पता है, चाइना के लोग भी जानते हैं, और सर बता रहे थे, और यही रीज़न है कि चाइना वाले इस वाले एरिया में ज़्यादा पंगे नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक हरभजन बाबा है यहाँ पर जो इस एरिया की पूरी सिक्योरिटी कर रहे हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अपने लोगों के, अपने आर्मी के दोस्तों के सपनों में आके पहले ही बता देते कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। और कहते हैं वो आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, शायद रिटायर हो चुके हैं, मुझे पता नहीं है, ये मैं पूछना भूल गया, लेकिन कहते हैं कि उनको आज भी उनकी सैलरी मिलती है, आज पता नहीं पर था। तो ये हरभजन बाबा जी, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में चाहिए तो आप YouTube पे सर्च कर लेना, और अगर YouTube पे अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले ना, तो बीबी की वाइंस है ना, उसने भी एक बार ये वीडियो बनाया हरभजन बाबा जी के ऊपर, तो एक बार बीबी की वाइंस के ऊपर भी सर्च करना हरभजन बाबा, तो उन्होंने भी ये पूरा वीडियो बनाया है इनके ऊपर, तो इतनी यहाँ पर इनकी मान्यता है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, आर्मी सर कह रहे हैं कि आगे जितनी जल्दी निकलोगे उतनी जल्दी पहुँचोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अब निकलते हैं यहाँ से आगे। तो ये देखो अभी बाइक में ये हाल है, और बर्फ़ हर जगह जमनी शुरू हो चुकी है, ओले गिर रहे हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, अपनी राइड फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे हमारा होटल भी बुक नहीं है और प्रॉब्लम हो सकती है, तो चलो यहाँ से चले आगे। तो कुछ ऐसे सीन्स है अभी, और पूरी रोड जो है पूरी की पूरी वाइट हो चुकी है, और मेरा गोप्रो नहीं लगा, इसका गोप्रो भी नहीं लगा, बाइक पूरी 360 घूम गई और पूरी धड़ाम। क्या हुआ, ऐसे कर रही है ना, तो यही सोच, पूरी बर्फ जमी हुई है रास्ते और पूरी बर्फ जमी हुई है, और ऐसी सिचुएशन में देखो अभी हमें बाइक चलाना है और अभी तो बहुत दूर जाना है, तो ये होता है यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल वेदर। थोड़ी देर पहले तक ठीक था, लेकिन अभी देखो क्या हो चुका है। तो ये है सीन्स कुछ अमेजिंग से। अभी भाई साहब की बाइक गिरी, और इसका ये जो गियर पेडल है ये अंदर चला गया, इसको निकालने में भी हालत ख़राब हुई, ऐसा नहीं है इतना इजी नहीं है ऐसे सिचुएशन में। तो ये जो है ना, ये शिवम का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, थोड़ा उसे प्रॉब्लम हो रहा है, उसे संभल नहीं पा रहा अभी उसको, ऑब्वियसली यार फर्स्ट टाइमर्स के लिए बिल्कुल ही ऐसे, फर्स्ट टाइम तो मतलब एक्सपीरियंस है, लेकिन ब्लैक आइज में चलाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको बहुत समझाना पड़ रहा है कैसे चलानी है। दो बार बेचारा गिर चुका है, दो तीन बार रुक चुका है, अटक चुका है, और अभी भी हमें पता नहीं कितनी दूर जाना है। लेकिन अभी ये आप देख रहे हो सीन्स, कश्मीर वाले सीन्स हो चुके हैं, जो मेरा कश्मीर की आपने राइड देखी थी पहलगाम की, ज़्यादा सीन हो चुका है ये। तो मेरा फ़ोन ख़त्म हो चुका है, मेरा गोप्रो डेड हो चुका है, सारी ख़त्म हो चुका है, ये मैंने अभी शिवम के फ़ोन से किया है। तो आगे चलता हूँ, जो जो सिचुएशन होगी मैं आपको दिखाता रहूँगा, अब मैं क्या ही करूँ, मेरा मन है दिखाने का पर। तो शिवम फिर अटक गया, ओ मैन, मैं गाड़ी वहाँ खड़ी करके आ गया अपनी बाइक, ठीक है, इजी, चलो धीरे धीरे चलते रहो, पूरा टायर इसका धू 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 ऐसे घूम रहा है। तो ये सिचुएशन में अभी बाइक चला रहे हैं हम, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्सपीरियंस से ज़्यादा ना मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। देखो फिर स्लिप हुआ, ये होता थोड़ा ग्रिप का आइडिया नहीं है उसको, कहाँ ग्रिप लेनी है, पर लड़का फिर भी सही चला रहा है। शिवम नहीं, आप फिर लिया नहीं होगा, जितना दम लगा लो उसके बाद ही होगा, चलो अब होगा, धीरे धीरे चलो। तो अभी कुछ ऐसे सीन्स हैं, हल्का रेस। ओहो बाइक मैंने वहाँ खड़ी कर दी है, निकल गई। थोड़ी बहुत क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि मेरा आईफोन बंद हो गया, ये दूसरे फ़ोन से बना रहा हूँ। और शिवम फिर गिर गया, शिवम को बहुत प्रॉब्लम हो रही है बाइक चलाने में, क्योंकि उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है बाइक चलाने का ऐसी टेरेन से, दो तीन बार गिर चुका है, दो बार मैंने बाइक निकाल दी इसकी, ब्रेक ज़्यादा नहीं देना, चलते जाओ।
ना 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 रेस ज़्यादा नहीं देनी, चलो चलो हाँ चलो, रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, यहाँ होटल वोटल पता कर लेते हैं, तुम मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए शिवम, होटल वोटल पता कर लो, यहाँ गेस्ट हाउस हूँ तो मुश्किल होगी तुम्हें, लेकिन मेरे को उसकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, वो बहुत स्लिप स्लिप हो रहा है और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे नाथंग वैली के लिए आगे रास्ता और ख़राब है, और रास्ता ख़राब होने के साथ जैसे जैसे अंधेरा होगा उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती जाएगी बाइक चलाना, और उसके लिए मुश्किल होने का मतलब मेरे लिए भी मुश्किल होती रहेगी, तो इट्स बेटर यहाँ पर, इसको बोल तो दिया रूम का, वो कह रहे रूम है नहीं पर कुछ ना कुछ वो जुगाड़ कह रहे कर देंगे आपके लिए, तो वहाँ पर रूम नहीं है, नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी के घर में एडजस्ट करवा देंगे आपको, हाँ बोल दिया, वो रूम नहीं है, वो रूम बुकिंग हो रहा था, अच्छा। तो वो कह रहे हैं किसी के रूम में एडजस्टमेंट करवा देते हैं, बाइक ले आओ अभी वहाँ लगा दो, बाइक लगा देते हैं और उसके बाद फिर आज यहीं पर स्टे करते हैं, कल का मौसम देखते हैं फिर निकलेंगे, ठीक है, ठीक है चलो बाइक निकाल लो पीछे कर लो, तो ये देख लो मैं गोप्रो से नहीं दिखा पाया लेकिन अभी भी ये बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो अभी हम ऐसी कुछ लोकेशन पे आ चुके हैं, धक्का मार मार के चढ़ा चढ़ा के, थोड़ी वीडियो में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये मैं अपने लोकल वाले फ़ोन से कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, मेरा आईफोन ख़त्म हो चुका है, मेरा गोप्रो ख़त्म हो चुका है, मेरा एक्शन कैमरा दूसरा ख़त्म हो चुका है, इनकी इनका आईफोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, कैमरा निकाल नहीं सकते, तो अभी इस फ़ोन से कर रहा हूँ, धक्का मार मार के जैसे तैसे यहाँ तक बस बाइक पहुँचा दिया है, और यहाँ पर एक होटल होमस्टे मिला, ये कह रहे हैं कि हमारे पास रूम नहीं है पर कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे दूसरे के घर में। शिवम कैसा एक्सपीरियंस था, सच सच बताओ, मोस्ट एडवेंचरस डे ऑफ माई लाइफ गेट, सच्ची हो सकता है अगला दिन और भी ज़्यादा एडवेंचरस हो, लेकिन भाई मज़ा आया, प्लस सीखने को भी बहुत कुछ मिला, दो बार गिरा भी, एक सच्चे सच्चे एक और बात बताओ, जो वीडियो में देखने को मिलता है जैसे ब्लैक आइस पे चला रहे हो और ये रियल में जब प्रैक्टिकल करता है, ब्लैक आइस सिर्फ वैसे नहीं है ना वीडियो में कि सिर्फ आपको थोड़ी सी भर जमी है तो, नहीं 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 नहीं, कई बार देखा होगा ना पूरी पूरी व्हाइट पे लोग चलाते हैं और उसमें, और अभी ये बताओ बहुत अलग है, फर्क लगता है क्योंकि थोड़ा बहुत तो पता लगता है कि यार मुश्किल है, लेकिन रियल में भाई पता लगता है कितना रियल मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। तो आज ये है, तो आज ये देखो कोई बात नहीं, अभी यही तो है, यही तो मेमोरीज बना रहा हूँ मैं अपनी, ये जो दिख रहा है ये मेमोरीज क्रिएट कर रहा हूँ मैं, चीनी बन गया, चीनी हो गया। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये पूरा कल भी ऐसे ही रहने के चांसेस हैं, कल होगा पूरा आने का चांसेस, कल होगा, कल भी हो जाएगा, हो जाता है, ओहो दिन में नहीं होता है, शाम में निकल सकते हैं ना, हाँ या धूप थोड़ी निकलेगी, हाँ धूप आएगा। शिवम ऑल द बेस्ट, पर जो भी है सीखने को मिला ना, बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो यार डर नहीं है, देखो अंकित भाई साथ में, आर्मी एरिया पूरा, तो बिल्कुल हल्का सा भी डर नहीं लगा, हाँ। रास्ते में कुछ होगा, कुछ होगा, जब मैं एक बार गिरा भी तो आर्मी का ट्रक से एक बंदा उतर के वो आया, उसने पुश किया, तो डर बिल्कुल नहीं है, हाँ यह सीखने को मिल रहा है, गिरेंगे सीखेंगे, एक्चुअली यही है, गिर गए, जितना गिरोगे जितना गिरोगे उतना सीखोगे, तो अंदर करते हैं सामान, उसके बाद बात करता हूँ, चोट लग रही है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर एक होम स्टे में आ चुके हैं और अभी टाइम 5:30 बज चुके हैं, आप व्यू देख लो, मैं यार मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं गोप्रो से फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जो एक्चुअली फन था ना एडवेंचर पार्ट था वो सारा आपको पता है गोप्रो वाला ही होता है, फ़ोन या फिर कैमरा से मैं कितना ही बस चलते चलते रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन गोप्रो वाला फुटेज कैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, कैसे शिवम का टायर ऐसे लहरा रहा है, कैसे शिवम गिर रहा है, कैसे उसको पुश मार रहा हूँ, वो ना छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो लाइफ टाइम मेमोरीज होती है, वो छोटी छोटी चीज़ें मिस हो गई, क्योंकि अगर कोई गिर रहा है तो ऑब्वियसली कैमरा नहीं निकाल सकता, पहले उसको उठाना है, फिर सिचुएशन सारी कंट्रोल करनी है, तो बस यही सिचुएशन है अभी जो इस होटल के अंदर। इनफैक्ट होम स्टे में हम आए हैं तो पहले जब ये हम आए थे तो ये कह रहे थे कि यहाँ पर रूम नहीं है, ऑलरेडी बुकिंग हो रखी है, बट यहाँ पर अब जिन्होंने आना था ना उनकी बुकिंग हो चुकी है अब कैंसिल, तो क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में कौन ही आ सकता है, तो हमें जो रूम था वो यहाँ पर दे दिया है, नहीं तो हमें कहीं और होम स्टे में ये रखवाते किसी के घर में, यहाँ जो हमें पेमेंट हमें पे करेंगे वो करेंगे 1000 rupees पर पर्सन, उसमें हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा, तो ये भी अच्छा है ना। और यहाँ पर मुझे देख रहा है शिव जी, शिवलिंग दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर शिवलिंग भी है, वर्थ
आपने देखा था ना मैंने पहलगाम में कैसे बाइक चलाई थी, तो वही समझो सेम सिचुएशन थी, पर थोड़ा सा इजी था पहलगाम से, लेकिन मज़ा बहुत आया। बाकी अगर लाइट आएगी तो आपको बाकी का व्यू दिखा दूंगा अंदर का, नहीं आएगी तो ब्लॉग यहीं एंड करेंगे, और क्या करेंगे, है ना। ओ भाई साहब, अब भाई जान में जान, इतनी ठंड है यहाँ पर और इन्होंने यहाँ पर जला दी बुखारी, और अपने जो मैंने कपड़े हैं वो यहीं पर रख दिए, और अभी खाना वाना अभी तो अंधेरा है यार, कुछ दिख नहीं रहा, बट मैं आपको बुखारी दिखा के बात कर लेता हूँ। अभी लाइट आएगी ना मैं आपको एक बार रूम भी दिखा दूंगा, अभी लाइट आई थी 5 मिनट के लिए, हमने फटाफट चार्जिंग पे लगाया, मैंने जूते यहीं रख दिए हैं ताकि फटाफट से सूख जाए, मेरी सॉक्स गीली है, जूते गीले हैं, मेरी राइडिंग पैंट नीचे से गीली है, तो इसको एक बार सुखाएंगे अच्छी तरह से, खाना वाना खाएंगे, फिर आपको अच्छी तरह से रूम दिखा के टाटा बाय बाय करेंगे आज का।